बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही बैंगन की रेसिपी। हमें सीजन की सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, लेकिन घरों में अक्सर खाई नहीं जाती, तो अगर हम डिफरेंट वे से बनाएं तो सबको ये अच्छी लगेंगी। चलें आए देखते हैं मैं दही बैंगन किस तरह बनाती हूँ। दही बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए थे, जिनको मैंने इतना मोटा स्लाइस में काट लिया है, और इन पर नमक अप्लाई कर दूँगी ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और मैं इन बैंगन्स को फ्राई करूँगी। बैंगन के स्लाइसेस को इतना फ्राई करूँगी कि इनका कलर भी चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। अब ये रेडी है, मैं इनको डिश में सेपरेट रख लूँगी। अब इसी पैन में मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के चॉप प्याज, जिनको मैं थोड़ा सा सॉटे करूँगी, और फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी स्पाइसी। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक करूँगी। मसाला अपना ऑयल भी ऊपर छोड़ जाए और सारे स्पाइसेस का फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से पकने के लिए रखूंगी। मसाला बिल्कुल रेडी है, इसमें से 2 टेबलस्पून मैंने सेपरेट रख लिया, और अब इसी मसाले में मैं बैंगन को रख दूंगी, वो स्लाइसेस जो मैंने फ्राई किए थे। सारे बैंगन रखने के बाद जो मसाला मैंने 2 टेबलस्पून सेपरेट रखा था वो मैंने इसके ऊपर लेयर कर दिया और स्टीम पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। 2 कप मैंने लिया है दही, जिसे अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। अब दही को तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल पैन में, गर्म करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जीरा और 2 से 3 साबित लाल मिर्चें डाल के इसका तड़का तैयार करूँगी। अब डिश में पहले मैंने बैंगन की लेयर की और इसके ऊपर मैं दही की लेयर करूंगी। दही बैंगन बिल्कुल रेडी है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।